एक हिस्से को बेस कहा जाता है और एक हिस्से को कलेक्टर कहा जाता है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये कैसे यूज होता है या इसको हम किस तरह से इस्तेमाल में लाते हैं, तो इसको यूज कैसे करते हैं इसको बेटा, इसको हम कहेंगे बेटा ट्रांजिस्टर ऑपरेशन। ट्रांजिस्टर ऑपरेशन इसको कहेंगे कि ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है बेटा। देखें बेटा, आपको पता है बेटा कि हमेशा दो टर्मिनल्स इनपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं और दो टर्मिनल्स आउटपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, इसके अंदर सिर्फ 3 टर्मिनल्स होते हैं। अब अगर हम दो इनपुट के लिए इस्तेमाल करें और दो आउटपुट के लिए इस्तेमाल करें तो इसके पास 4 होने चाहिए, लेकिन इसके पास है 3। इसलिए जब इसको इस्तेमाल किया जाता है तो इन तीनों में से एक ऐसा टर्मिनल बनाया जाता है जो इनपुट के साथ भी होता है और आउटपुट के साथ भी होता है। तो जब ट्रांसफार्मर काम करता है, जब ट्रांसफार्मर से हम कोई काम लेते हैं तो उसके लिए हम ट्रांजिस्टर के अंदर जो होता है वो एक टर्मिनल को हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब ये जो टर्मिनल कॉमन होता है वो कोई भी हो सकता है, जो इनपुट के लिए भी होगा आउटपुट के लिए भी होगा। मीन्स इन तीनों टर्मिनल्स में एक ऐसा टर्मिनल होगा जो इनपुट के लिए भी इस्तेमाल होगा और आउटपुट के लिए भी इस्तेमाल होगा, मीन्स वो कॉमन होगा और वो कोई भी हो सकता है। इमिटर कॉमन हो सकता है, कलेक्टर कॉमन हो सकता है और बेस कॉमन हो सकता है। तो आप कहोगे कि बेसिकली बेसिकली ट्रांजिस्टर इज 3 टर्मिनल डिवाइस विच ठीक है, ये 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। देयरफॉर वन टर्मिनल इज कॉमन, एक टर्मिनल जो होता है वो कॉमन होता है बेटा। अब वो कोई भी हो सकता है, कलेक्टर कॉमन हो सकता है, इनपुट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, आउटपुट के लिए साथ इस्तेमाल हो सकता है, बेस भी हो सकता है इनपुट और आउटपुट के लिए, और इमिटर भी कॉमन इस्तेमाल हो सकता है इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए, कोई भी कॉमन आप एक कर सकते हैं। अब ये हमारे पास, पहले मैं करता हूं कि ये ऑपरेशन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर के पीएनपी ट्रांजिस्टर किस तरह से कॉमन जो है वो काम करता है बेटा। अब इसके अंदर आप ये कह ले बेटा कि सपोज करें ये हमारे पास एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये मैं एक बनाता हूं ट्रांजिस्टर, ये हमारे पास आप कह लें कि ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पी है, एन है और पी है। इसके साथ ये आप कह लें इमिटर, ये आप कह लें बेस, ये आप कह लें कलेक्टर। अब इसके टर्मिनल्स होते हैं, ये टर्मिनल जो होता है वो इमिटर के साथ कनेक्टेड है, ये टर्मिनल बेस के साथ कनेक्टेड है और ये टर्मिनल कलेक्टर के साथ कनेक्टेड होता है।
ठीक है, थ्री टर्मिनल डिवाइस है। अब इसके पास तीन है, दो हम इनपुट के लिए देंगे, दो इसके लिए आउटपुट के लिए देंगे। सपोज करें हम बेस को कॉमन रख देते हैं, यहां पे मैं बेस को कॉमन रखता हूं, ये बेस कॉमन हो गया, ये इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है और ये आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। हमेशा अगर आपने बेस कॉमन रखा है तो इनपुट इमिटर और बेस पे दोगे और आउटपुट आप कहाँ पे लोगे, बेस पे और कलेक्टर पे लोगे। तो ये इसकी बेटा प्रॉपर्टी होती है कि आप इनपुट कहाँ से दोगे, इमिटर और बेस से, और आप आउटपुट कहाँ पे लोगे, कलेक्टर से और बेस से। तो देखिए यहाँ पे बेस एक ऐसी चीज है जो इनपुट के साथ भी होता है और आउटपुट के साथ भी होता है। तो आप यहाँ पे कहोगे कि यहाँ पे इनपुट कहाँ पे होता है, इनपुट जो होता है ये होता है इमिटर, बेस पे दिया जाता है, और आउटपुट कहाँ पे होता है, आउटपुट जो होता है वो होता है बेस और कलेक्टर पे, बेस कलेक्टर पे होता है। इसका मकसद है बेस कॉमन है। अब आपको पता है बेटा, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ये जो इमिटर बेस जंक्शन है इसको फॉरवर्ड बनाना है और ये कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है इसको रिवर्स बनाना है। तो अगर आप इसको फॉरवर्ड बनाओगे तो ये पी है, इसका मकसद है इसको फॉरवर्ड बनाने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव रखोगे, और ये एन है तो इसको किससे कनेक्टेड करोगे, इसको निगेटिव अर्थ कर दोगे। बेटा इसको हम करते हैं अर्थ, ठीक है, वैसे बुनियादी तौर पे हम इसको करते हैं अर्थ बेटा, ये हम इसको कर देते हैं बेटा अर्थ, ये निशानी इसको अर्थ कनेक्टेड कर देते हैं। और अर्थ कनेक्टेड जो होता है वो इस तरह से आपको टर्मिनल बनता है, और ये जो होता है इसको हमने क्या करना है, इसको हमने करना है रिवर्स ब्यास्ट। अगर रिवर्स ब्यास्ट करना है तो इसको हम कर देंगे निगेटिव, तो ये अर्थ कनेक्टेड है। अगर ये निगेटिव है तो इसके लिए पॉजिटिव बन जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि अर्थ दोनों प्रॉपर्टीज रखती है, वो किसी भी चीज को पॉजिटिव भी बना सकती है और निगेटिव भी बना सकती है। तो याद रखिएगा, जब किसी भी ट्रांजिस्टर की हम ऑपरेशन करते हैं तो इमिटर और बेस जंक्शन को हम फॉरवर्ड करते हैं, जबकि कलेक्टर और बेस जंक्शन को हम रिवर्स करते हैं बेटा। आपको पता है बेटा कि इसके अंदर मेजॉरिटी होते हैं होल्स की, बेटा होल्स बहुत ज्यादा होते हैं पी टाइप मटेरियल के अंदर, इस तरह से होल्स की मेजॉरिटी होती है बेटा यहाँ। और आपको पता है कि इमिटर जो होता है बेटा वो हेवीली डॉक्ड होता है, इसलिए बहुत ज्यादा इसके अंदर जो होते हैं वो होल्स होते हैं, जबकि ये जो बेस होता है बेटा इसकी डॉपिंग बहुत ही लाइट होती है। सपोज करें ये एन टाइप है तो इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम है, और यहाँ पे आप कह लें कि ये होल्स हैं बेटा, और ये कलेक्टर है तो इसमें भी जो होल्स होते हैं बेटा ये होल्स ज्यादा इस तरह से, ठीक है, इमिटर और कलेक्टर के अंदर होल्स ज्यादा है बेटा, और इसमें बेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। लेकिन हमने पढ़ा था बेटा कि बेस जो होता है वो लाइटली डॉप्ड होता है, इसकी डॉपिंग इनके मुकाबले में सिर्फ 5% होती है, वेरी लाइटली डॉप्ड होता है बेस। अगर यहाँ पे 100 होल्स हैं तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इसकी कंपैरिजन होती है। इतना हेवी डॉक्ड होता है कि अगर इसके अंदर 100 होल्स हैं तो इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे या 5 से भी कम इलेक्ट्रॉन होंगे, मीन्स इसकी डॉपिंग सिर्फ इसके हिसाब से 5% होती है। अब आप देखिए बेटा, ये यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से होल्स को इस तरह से पुश करेगा और इसमें एरो अंदर करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव करंट यहाँ से अंदर जा रहा है, इसीलिए पीएनपी की जो हमने सिंबल देखी थी ना, उस सिंबल में एरो जो होता है वो इस तरह से अंदर होता है, ये हमने नहीं देखी थी, इस तरह से इसकी सिंबल होती है, तो इसमें एरो जो होता है वो अंदर होता है। एरो अंदर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से ये फॉरवर्ड होता है और पॉजिटिव करंट अंदर जाता है।
अब ये क्या करता है, होल्स को पुश करता है। होल्स किस में आ जाते हैं, होल्स आते हैं बेस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी है बेटा, यहाँ पे होल्स जो होते हैं ये मेजॉरिटी है बेटा, ठीक है। ये होल्स आएंगे यहाँ पे बेस के अंदर, और बेस कौन सा है, एन टाइप है। अगर यहां से 100 होल्स आते हैं, सपोज करें कि यहां से आप ये कह लें कि यहां से 100 होल्स आते हैं इसके अंदर, 100 होल्स आते हैं बेस के अंदर, तो बेस कौन सा है बेटा, ये बेस हो जाता है, ये बेस तो एन टाइप है, इसको तो होल्स चाहिए, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होती है। और ये जो होल्स इसके अंदर आते हैं, ये जो होल्स आते हैं इसके अंदर, ये होल्स इसके अंदर आते हैं बेटा, और 100 होल्स इसकी तरफ आ गए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, सिर्फ 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन किसके साथ कंबाइन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन इन होल्स के साथ कंबाइन होंगे, और बाकी 95 होल्स इस तरफ आ जाएंगे। 95 होल्स जो होंगे वो इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। मीन्स यहां से 100 होल्स आए बेस में, बेस एन टाइप है, लेकिन बेस की डोपिंग जो होती है वो वेरी लाइट होती है, 5 या 5 से भी कम, less than 5% यहाँ पे कंबाइन होते हैं, बाकी more than 95% इस तरफ जाते हैं। अब आपके जहन में होगा ये तो रिवर्स ब्लास्ट है, तो यहाँ पे कैसे आ सकते हैं होल्स, कैसे इतने करंट देंगे, यहाँ पे होल्स क्या है, यहाँ पे होल्स है माइनॉरिटी, यहाँ पे होल्स माइनॉरिटी है, यहाँ पे होल्स माइनॉरिटी है, और यहाँ पे बियासिंग कौन सी है, रिवर्स बियासिंग, और रिवर्स बियासिंग माइनॉरिटी को इजीली पास करवा देती है, और ये इजीली पास हो जाते हैं इमिटर के अंदर। तो ये इसकी ऑपरेशन का तरीका होता है, मैं एक बार फिर आपको समझाता हूँ। ये पी टाइप मटेरियल है, इसको हम करते हैं फॉरवर्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इन होल्स को पुश करती है, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग है, इस तरह से होल्स को पुश करके बेस में भेजती है, और बेस जो होता है वो लाइटली डॉप्ड होता है, और वो है भी एन टाइप। तो ये जो पी टाइप होल्स एन टाइप के अंदर आएंगे, तो ये होल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होंगे, और less than 5% जितने भी यहां से होल्स आएंगे उनका less than 5% इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन होगा, 95% कलेक्टर की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, और कलेक्टर के अंदर जो है वो ये कलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये यह होता है, यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी होते हैं, तो फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से बेस में आते हैं, बेस एन टाइप है, तो जब ये होल्स बेस के अंदर आ जाएंगे तो बेस एन टाइप है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होते हैं और होल्स माइनॉरिटी कंसीडर किए जाएंगे, इसलिए जैसे ही होल्स इसके अंदर आएंगे तो एन टाइप मटेरियल के अंदर होल्स माइनॉरिटी होंगे, और ये आगे रिवर्स बायसिंग है, और रिवर्स बायसिंग क्या करेगी, इन माइनॉरिटी कैरियर्स को इजीली इस तरह से फिलो करवा देगी। तो इस तरह से 900 जो हमने होल्स भेजे उसमें less than 5% बेस में जो है वो खत्म हुए, more than 95% कहाँ पे कलेक्ट हो गए, कलेक्टर में आ जाते हैं। ये मैकेनिज्म होता है, यहाँ से होल्स को फॉरवर्ड बायसिंग बेस में ले आती है, और बेस में आने के बाद ये जंक्शन रिवर्स ब्यास्ट होता है, और जब ये होल्स बेस के अंदर आते हैं तो ये माइनॉरिटी होते हैं, और माइनॉरिटी ड्यू टू द रिवर्स ब्यासिंग इजीली जो है वो पास हो जाता है। अब इसके बाद है हमारे पास ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है बेटा, देखिए आप इसको इस तरह से कहेंगे,
सपोज करें बेटा ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है हमारे पास, सपोज करें बेटा ये हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, बेस पी का होता है। ये हमारे पास है बेटा एन पी एन ट्रांजिस्टर बेटा। अब देखिए आपको पता है बेटा ये जो एन पी एन ट्रांजिस्टर होता है इसके अंदर होल्स की तादाद, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एन में ज्यादा होती है। ये आप कह लें बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। अब ये हमारे पास बेटा इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें पी में होल्स होते हैं बेटा, लेकिन ये इतना लाइटली डोप्ड होता है कि इसके अंदर बहुत ही थोड़े होल्स होते हैं बेटा। अब इसको कनेक्ट करते हैं बेटा हम बैटरी के साथ। इसमें हमने क्या करना होता है, इसको फॉरवर्ड बनाना है, मीन्स इसको हम कनेक्ट करेंगे निगेटिव से, और ये तो आएगा कॉमन है तो ये समझे ये अर्थ कनेक्टेड हो गया, और ये हो गया बेटा इस तरह से। अगर ये हमारे पास एन है तो इसको हम क्या करेंगे पी कर देंगे, क्योंकि हमने इस जंक्शन को रिवर्स रखना है और इस जंक्शन को फॉरवर्ड रखना है, ये ट्रांजिस्टर को यूज करने का तरीका होता है। अब इसमें क्या होता है बेटा, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से अंदर आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं इसलिए इसका एरो बाहर है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे तो कन्वेंशनल करंट बाहर माना जाएगा, करंट हमेशा कन्वेंशनल लेते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन अंदर फ्लो करते हैं मीन्स करंट का डायरेक्शन बाहर होगा, इसलिए इसका इसकी सिंबल ऐसे बनाते हैं, इसकी जो सिंबल होती है उसमें एरो बाहर देते हैं, ये करंट के डायरेक्शन को शो करता है, और करंट का डायरेक्शन कौन सा होता है, ये होता है कन्वेंशनल करंट बेटा। अब इसमें क्या होगा बेटा, इसमें जब ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश आएगी बेटा, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करें, क्योंकि ये फॉरवर्ड ब्यासिंग है, और फॉरवर्ड ब्यासिंग है ये एन साइड है, और फॉरवर्ड ब्यासिंग के अंदर मेजॉरिटी फ्लो करते हैं, और ये फ्लो करके कहाँ पे आ जाएंगे, ये फ्लो करके आ जाएंगे इधर बेस में, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेस में, और बेस में आने के बाद बेटा आप लिख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये मेजॉरिटी होता है, ठीक है, और यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉन क्या बन जाता है, माइनॉरिटी बनता है, और ये जो डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रिवर्स गैसिंग की वजह से माइनॉरिटी इस तरह होते हैं। अब ये आपके जहन में हो सकता है कि यहाँ पे होल्स की तादाद कम है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैसे होते हैं, माइनॉरिटी का मकसद कम ज्यादा नहीं होता, माइनॉरिटी का मकसद है पी साइड जो होती है जो हम डॉपिंग करते हैं तो बनते वक्त उसमें होल ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, तो वही सेम कॉन्सेप्ट हम रखते हैं, तो उसी हिसाब से ये जो पी होती है इसके अंदर जब ये इलेक्ट्रॉन आते हैं, सपोज करें कि यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स आए इस तरफ, 100 इलेक्ट्रॉन आए इस तरफ, लेस देन 5% इलेक्ट्रॉन और होल्स कंबाइन होंगे, और मोर देन 195% 95% जो होंगे वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कलेक्टर पे, और कलेक्टर में कलेक्ट हो जाएंगे, तो इस तरह से इसलिए इसको कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, के रेजिस्टेंस की ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे की जाती है जो यहाँ पे रिवर्स ब्यासिंग चार्जेस को रोकती है, वही रिवर्स ब्यासिंग यहाँ पे चार्जेस के फ्लो को आसान बनाती है बेटा, ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर की ऑपरेशन होती है कि ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है, ट्रांजिस्टर के अंदर एक टर्मिनल को कॉमन रखा जाता है, फिर चाहे वो इमिटर कॉमन हो, चाहे वो बेस कॉमन हो, चाहे वो कलेक्टर कॉमन हो, कोई भी
एक टर्मिनल जो होता है वो कॉमन रखते हैं, और इसमें करंट गेन होती है, ठीक है, इसमें होती है करंट गेन, इसमें एक फैक्टर होता है करंट गेन, करंट गेन होता है इज इक्वल टू आई सी अपन होता है आई ई। अब यहाँ पे आई सी कौन सा होता है, ये जो बेटा यहां से ये जो करंट इस तरह से आता है, ये वाला करंट, ये आप कहेंगे आई ई, इसका वो हिस्सा जो यहाँ पे खत्म हो गया वो हो गया आई बी, मीन्स 100% आया, लेस देन 5% खत्म हुआ वो आई बी, और मोर देन 90% यहाँ पे रिसीव हुआ ये आई सी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि इमिटर करंट इज इक्वल टू 5% बेस के अंदर गया, 95% कलेक्टर के अंदर आ गया, क्योंकि ये इमिटर करंट ही है जिसमें 5% होल्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, 95% इधर आ जाते हैं, तो ये फार्मूला है। तो इनपुट करंट कौन सा होता है, इमिटर, इमिटर से करंट आया बेस में और बेस से किसमें चला गया, कलेक्टर में। तो ये हो गया आपके पास बेटा करंट गेन, जिसको अल्फा कहते हैं, आई सी अपन आई ई। अब आप देख सकते हैं बेटा कि 100% इधर आया, 95% कलेक्ट हुआ, या मोर देन 95%, 100% यहाँ पे रिसीव नहीं होता, कुछ करंट यहाँ पे खत्म होता है, और वो किस में खत्म होता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की जो आपस में कॉम्बिनेशन होती है, उस रिकॉम्बिनेशन की वजह से सम करंट यहाँ पे लॉस हो जाता है, सम करंट यहाँ पे खत्म हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है। इसका मकसद है कि करंट गेन जो होती है इसके अंदर जो करंट गेन होती है वो लेस देन 100% होती है या लेस देन 1 होती है, करंट गेन लेस देन 100% होती है या लेस देन 1 होती है। तो ये हमारे पास आप कह सकते हैं कि ये जो है वो इसके अंदर करंट गेन का फॉर्मूला है, कि करंट जो होता है वो किस तरह से इसके अंदर गेन होती है बेटा। अब इसके बाद हमारा बेटा जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, के जो होती है बेटा जो है वो कॉन्फ़िगरेशंस होती है बेटा, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर बेटा जो होता है इसकी कॉन्फ़िगरेशंस होती है। अब कॉन्फ़िगरेशंस का मकसद क्या होता है बेटा, देखिए मैंने अभी आपको ट्रांजिस्टर को यूज करने का तरीका बताया। अब इसके अंदर क्या होता है कि ट्रांजिस्टर जो होता है उसके तीन टर्मिनल्स होते हैं और एक टर्मिनल कॉमन होता है। अभी जो मैं पहले आपको समझा रहा था उसमें मैंने बेस कॉमन रखा, जरूरी नहीं है आप बेस को कॉमन रखें, आप कलेक्टर को भी कॉमन रख सकते हैं, आप एमिटर को भी कॉमन रख सकते हैं, और आप कलेक्टर को भी कॉमन रख सकते हैं, किसी भी तीनों को कॉमन रख के आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको कहा जाता है, ये है इसकी कॉन्फ़िगरेशंस। तो इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है बेटा, इसकी होती है पहली कॉन्फ़िगरेशन आप कह लें कॉमन बेस, ठीक है, सीबी कॉमन बेस। दूसरी होती है कॉमन कलेक्टर, कलेक्टर को कॉमन कर सकते सीसी, और तीसरी होती है कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर, एमिटर को कॉमन किया जाता है सीई, ठीक है, और यही वो कॉन्फ़िगरेशन होती है मोस्टली यूज की जाती है, मोस्टली मोस्टली कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड,
ठीक है, ज्यादातर जो इस्तेमाल की जाती है वो कॉमन इमिटर जो होती है वो की जाती है बेटा। अब इसके अंदर जो आपके बुक में दी गई है वो भी यही दी गई है, कॉमन कॉमन इमिटर, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन बेटा। अब कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो इमिटर होता है वो कॉमन होता है बेटा, इमिटर इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट। इसमें बेटा ये कॉमन होता है। अब इसको इस तरह से बनाते हैं बेटा, सपोज करें ये हमारे पास एक डायोड है बेटा, ये डायोड है और ये पीएनपी डायोड है बेटा। सपोज करें ये हमारे पास एक पीएनपी डायोड है बेटा, पीएनपी। वैसे ये एक्सपेरिमेंट होता है बेटा, मैं उसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको बता देता हूं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट है तो ये ज्यादा आपको मुश्किल होगी इसको समझने में, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है बेटा। अब इसमें इमिटर जो होता है बेटा वो कॉमन होता है बेटा, ये जो इमिटर होता है ये इनपुट के लिए भी होता है और आउटपुट के लिए भी होता है। इनपुट हम यहाँ से देते हैं बेटा, और ये पीएनपी है तो ये आप कह लें इमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है बेटा। तो आपको पता है इमिटर और बेस को हमेशा फॉरवर्ड रखना होता है, तो इसका मकसद है कि इसको फॉरवर्ड रखने के लिए इसको पॉजिटिव करेंगे और इसको नेगेटिव करेंगे, ठीक है। और आउटपुट यहां से लेंगे, एक कलेक्टर लेंगे और ये इमिटर कॉमन है बेटा। अब इसको हमने क्या करना होता है बेटा, इसको हमने रखना है रिवर्स। अगर इसको रिवर्स रखना है तो इसको हमने किया नेगेटिव और इसको हमने कर दिया पॉजिटिव, ठीक है। तो ये होता है बेटा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में एमिटर जो होता है यहां से हम देते हैं इनपुट और यहां से हम लेते हैं आउटपुट, ठीक है। तो आप कहोगे बेटा कि ये इनपुट होता है और ये कहां से लेंगे हम, आउटपुट लेंगे। यहाँ पे इमिटर देखें, इमिटर इनपुट के लिए भी है और इमिटर किसके लिए होता है, आउटपुट के लिए भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये करंट होगा आई बी और यहां से ये करंट होगा आई सी। आई ई जो होता है ना बेटा, आई ई जो होता है वो दोनों के लिए होगा, क्योंकि इमिटर जो होता है वो इनपुट के लिए भी है आउटपुट के लिए भी है। अब इसके अंदर दो तरह से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये चीजें बेटा जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं ना इसका रट्टा ही लगाना पड़ेगा आपको, बाकी यहाँ पे आप नहीं समझोगे क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं। तो मैं लिख देता हूं, आप इसको थोड़ा रट्टा लिख लगा लीजिएगा बेटा। पहले होते हैं बेटा इनपुट करेक्टरिस्टिक्स, इनपुट करेक्टरिस्टिक्स बेटा। इनपुट करेक्टरिस्टिक्स होते क्या है बेटा, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है बेटा, आउटपुट वोल्टेज वी बी इज कीप्ड कांस्टेंट। इसके अंदर कौन सी चीज कांस्टेंट रखी जाती है बेटा, आउटपुट वोल्टेज ये जो होता है ना, ये आउटपुट वोल्टेज जो होता है वी बी, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज होता है सॉरी वी सी ये होगा, क्योंकि बेटा आउटपुट है ना वी सी होगा बेटा। ये आपके बुक में भी थोड़ी मिस्टेक्स हैं, ये होगा बेटा सी, आपके बुक में भी थोड़ी मिस्टेक्स है बेटा। आउटपुट जो होता है ना बेटा वो कलेक्टर एमिटर के ऊपर होता है, वी सी इज कीप कांस्टेंट। चेंजिंग
ठीक है, चेंजिंग आई बी आई सी इज रिकॉर्डेड। ठीक है बेटा, अब हम इसको कांस्टेंट रखेंगे, आई बी यहां से करंट चेंज करके इस करंट को नोट करेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैं जस्ट उसकी डेटा लिख रहा हूं बेटा। और इसके क्या आते हैं बेटा, इसकी रिजल्ट ये आती है कि आई सी इंक्रीजेस एज आई बी इंक्रीजेस। जैसे आई बी को इंक्रीज करोगे आई सी इंक्रीज होता है। अब ध्यान से सुने, कान खोल के सुने, या मुझे फिर भेजोगे बुक की पिक्चर्स भेजोगे, मेरी ये इसकी पिक्चर्स भेजोगे। सुने, आपके बुक में इस चैप्टर का जो सेकंड लास्ट पेज है, इस चैप्टर का जो सेकंड लास्ट पेज है, उसके ऊपर लिखे हुए इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एक पिक्चर है वो आउटपुट की पिक्चर है, जो आउटपुट के साथ है वो इनपुट की पिक्चर है। बुक के अंदर पिक्चर्स चेंज हो गई है, बुक के अंदर जो इनपुट के साथ पिक्चर है वो आउटपुट की है, जो आउटपुट की है वो इनपुट की है। तो मैं सही बना देता हूं यहाँ पे, ये मैं कोई गलती नहीं कर रहा, मैं सही बना रहा हूं, बुक के अंदर गलत दिया। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, क्या आपको पता है, ये यहाँ पे होती है फॉरवर्ड बायसिंग। तो इसके ग्राफ ऐसे बनते हैं बेटा, इसका जो ग्राफ होता है ये होता है इस तरह से, इस तरह से ग्राफ होता है बेटा, इस तरह से बेटा जो होता है वो इस तरह से, ये जो होता है बेटा ये आपको ग्राफ बताता है कि आप पोटेंशियल बढ़ाते बढ़ाते तकरीबन यहाँ पे बेटा 0.7 और 0.5 वोल्ट बेटा। ठीक है, अगर करोगे तो फॉरवर्ड बायसिंग, क्योंकि आपको पता है बेटा फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर भी डिप्लीशन रीजन को तोड़ना होता है। डिप्लीशन रीजन का पोटेंशियल होता है 0.7 या 0.5 वोल्ट। इसलिए जब आप इसको फॉरवर्ड बायसिंग भी करोगे ना, तो इनपुट इतना दोगे उसके बाद करंट बढ़ेगा। तो ये इनपुट की है बेटा, ये आप कर लें चेंजिंग, चेंजिंग आई बी आई सी इज रिकॉर्डेड। या आप ये भी कहोगे कि चेंजिंग वी बी आई बी इज रिकॉर्डेड। मुख्तलिफ चीजें इसमें रिकॉर्ड की जाती है, ये जस्ट आपने रट्टा लगाना है ये चीज यहाँ पे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है, आप समझोगे नहीं। मैंने मेन पॉइंट्स लिख दिए बेटा इसकी, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है बेटा, आई बी इज कीप्ड कांस्टेंट, आई सी इज रिकॉर्डेड बाय चेंजिंग बी सी ई बेटा। ठीक है, और इसका ग्राफ इस तरह से बनता है बेटा, ये ग्राफ इसका होता है बेटा, ये ग्राफ इसका होता है, ये आउटपुट का ग्राफ है, ये बेटा इस तरह से इनपुट का ग्राफ होता है। ग्राफ जो होते हैं वो बेटा इसके अंदर चेंज हो गए। तो इस तरह से आप इसके बारे में कह सकते हैं कि ये इसके इनपुट, ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं बेटा। ठीक है, ये डेटा है, जाहिर है एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे हम देखते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं। तो ये चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट है, इनशाला हम कल करेंगे चैप्टर 17, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज नहीं है बेटा, इसकी कोई भी एक्सरसाइज नहीं है, इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, इसलिए अब इंशाल्लाह कल हम जो चैप्टर शुरू करेंगे वो चैप्टर 17 शुरू